कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओपन कर लेते हैं एक्सेल को, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टैब फॉर्मूलाज टैब है, और इसके अंदर एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही सारे। और एक्सेल फॉर्मूलाज का यूज़ ये होता है कि हम डाटा को अपने जोड़ना चाहते हैं तो फॉर्मूलाज लगाना होगा, घटाना चाहते हैं तो फॉर्मूलाज लगाना होगा, कुछ अगर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाना होगा, या एक्सेल में अधिकतर वक्त जो भी कहा जाए फॉर्मूला के बेस पे काम करता है। फॉर्मूला हमारे काम को आसान कर देता है, जल्दी करता है, तेज़ी से करता है। गणितीय संख्याओं को ढूंढना, उनको जोड़ना, घटाना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, सारे काम फॉर्मूला के थ्रू होते हैं। और एक्सेल में फॉर्मूला लगाना आना ही सबसे बड़ी बात है। एक्सेल में कुछ भी हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूलाज हार्ड होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े। अगर आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हार्ड नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूलाज शुरू करने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज में यहाँ पर देखना चाहते हो आप, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पर भी हैं इंजीनियरिंग्स, ये क्यूब फॉर्मूलाज हैं, इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हैं, सेलिब्रिटी फॉर्मूलाज हैं, मैथ फॉर्मूलाज हैं। तो ये सारे तो मैं भी नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी सारे नहीं बता सकता, क्योंकि जो जिस फील्ड में वर्क करता है उसको उतने फॉर्मूलाज का काम आता जाता है। ये टेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, ये लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं, ये तो खैर हम सब बता ही देंगे। फाइनेंशियल फॉर्मूलाज हैं, ये तो मैं सभी बता दूंगा। टेक्स्ट फॉर्मूलाज, ये लुकअप फॉर्मूलाज थोड़े कम बताऊंगा, क्योंकि मुझे मैथ सिखानी पड़ेगी आपको पूरी, इसलिए मैथ के फॉर्मूलाज भी नहीं बताऊंगा। आपको मैथ आती होगी तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको नहीं आती होगी, तो मुझे खुद को नहीं आती है, तो इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझाना एक अलग चीज़ होती है कि मैं आपको कॉस बताने लगूँ, आपको पता है नहीं कॉस क्या होता है, ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता कॉस क्या है। तो और ये सब अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क करेंगे, आप मैथ के फील्ड में वर्क करेंगे तो मैथ के फॉर्मूलाज आपको अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जो हमें 10 दिन की या 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है कहीं पर भी काम करने से पहले, वो यही होती है कि हमारे यहाँ ये वर्क होता है, इस चीज़ को आप समझ लो। तो बस आपको फॉर्मूलाज लगाने आने चाहिए, एकदम आप समझ जाएंगे, एक बार ही आपको बताया जाएगा आप सब समझ जाएंगे। तो ये सभी फॉर्मूलाज, ये इनमें से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जितने फॉर्मूलाज बताऊंगा सभी काम के होंगे, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। और आज से हम फॉर्मूलाज शुरू करेंगे। तो इंसर्ट फंक्शन में से ही देख लेते हैं इंसर्ट फंक्शन क्या होते हैं। वैसे तो ये सारे फॉर्मूलाज जितने यहाँ दिखाई दे रहे हैं लिस्ट में, ये सब जगह यही मिलने वाले हैं, यहाँ से जाओगे तब, और ये सभी फॉर्मूलाज हैं, ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो हम इंसर्ट फंक्शन देख लेते हैं। इंसर्ट फंक्शन क्या चीज़ होती है? इंसर्ट फंक्शन होता है किसी भी फॉर्मूला को इंसर्ट कराना जहाँ आपने क्लिक किया हुआ है। अब हमने A1 में क्लिक किया हुआ था और इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करा था, तो फॉर्मूला इंसर्ट करा सकते हैं हम यहाँ पर। इंसर्ट फंक्शन से फॉर्मूला लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता लगता रहता है कि यहाँ पर अब क्या डालना है, अब क्या डालना है, अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ डेट वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं ऑल में, तो ऑल में जितने भी यहाँ पर सारे फार्मूलाज हैं इन सब में, वो सब आ रहे हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल फार्मूलाज चाहिए मुझे, तो फाइनेंशियल में ये वाले जितने होंगे ये सब आएंगे, ये ग्रीन वाले यहाँ के वाले, यहाँ पर ये सब आ रहे हैं। या आप चाहते हैं डेट एंड टाइम वाले आए, तो डेट एंड टाइम ये हमारा यहाँ पर है, इसके सारे फॉर्मूलाज इससे रिलेटेड ये आ रहे हैं। तो जितने यहाँ हैं उतने ही इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर हैं। बस इनको लगाने का तरीका देखिए, हम डेट्स को दिखा देते हैं। डेट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो जैसे ही हम इंसर्ट फंक्शन से कोई फार्मूला इंसर्ट कराएंगे तो उसका एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का दिखाई देगा, और उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपको यहाँ पर ईयर डालना है और नंबर में डालना है। तो हम 2016 टाइप कर देते हैं, 17 टाइप करते हैं, अब तो 17 लग गया है, और मंथ डालेंगे फिर
यहाँ अब ये कह रहा है मंथ डालना है और नंबर में डालना है, तो हमें यहाँ पर जनवरी 1 चाहिए, और अब ये कह रहा है डे डालना है, तो हमें यहाँ पर ये नीचे दिखा भी रहा है जनवरी में डे 1 से 31 तक होते हैं, इससे इतना फ़ायदा होता है और हम डेट डाल सकते हैं। अभी हमने डेट डाल दिया है, रोके करेंगे तो वो हमारी डेट पर जाएगी। ये डेट का फॉर्मूला होता है, डेट डालने के लिए यूज़ होता है, और इंसर्ट फंक्शन की मदद से हम इनको इंसर्ट करा सकते हैं। तो डेट वैल्यू अगर हम ओके करें तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये अब ये कह रहा है जहाँ पर डेट टेक्स्ट डेट पड़ी हुई है वाला टेक्स्ट दो, और नंबर में होना चाहिए वो, तो हम A1 दे देते हैं, ओके करेंगे तो ये डेट टेक्स्ट वैल्यू एरर हो गई क्योंकि हमने गलत वो फॉर्मूला लगाया इस तरह से। तो ये इंसर्ट फंक्शन का यूज़ होता है, इंसर्ट फंक्शन में से हम कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। फ़िलहाल मैं ये फार्मूलाज आपको सीरियल वाइज बताऊँगा, एक वीडियोज़ में एक ही फार्मूला बताऊँगा। ये तो मैं इंसर्ट फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि जो यहाँ पर है वो सब यहाँ पर भी है, और इनमें से हम कुछ ही फार्मूले यूज़ करेंगे, ऐसे ही कोई 50 फार्मूले, बाकी ये 300 350 के करीब होंगे, सारे यूज़ नहीं करेंगे। जिसका जब यूज़ होता है तो वो अपने आप आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे ही सीखने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूलाज इंसर्ट कराना, और ऑटो सम, ये सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, ये सब हम कर चुके हैं। मोर फंक्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि इंसर्ट फंक्शन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ से आप फिर सारे फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट वाले, चार वाले, ये सब मैं आपको विस्तार में बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। यहाँ पर मैं बस सिर्फ यही बताना चाहता था कि हम फार्मूलाज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सम वगैरह के ये फार्मूलाज मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताए थे मैंने ये चारों फॉर्मूलाज, क्योंकि ये सब यहाँ पर भी है, ये रहे होम में, यहाँ पर ये मैं बता चुका हूँ। और अपने नेक्स्ट वीडियो से हम रिसेंट फॉर्मूलाज वो होते हैं जो हमने हाल फिलहाल में यूज़ किए होंगे, हम फाइनेंशियल फार्मूलाज से शुरू करेंगे, जो भी इसमें यूज़फुल फार्मूलाज होंगे वो सब मैं अब आपको फार्मूलाज की वीडियोस देता रहूँगा कि एक्सेल में ये वाला फार्मूला कैसे यूज़ होता है, ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे लगातार। चलिए फिलहाल इस वीडियोस को बंद करते हैं, ये सिर्फ इसलिए थी वीडियोस कि आपको पता लगे एक्सेल में इतने फार्मूलाज होते हैं, और इंसर्ट फंक्शन में से भी यही यूज़ होगा, होम में से भी यही यूज़ होगा, और यहाँ से भी ये यही यूज़ होंगे, फार्मूलाज सारे वही हैं। बस अब ये फॉर्मूलाज लगाते कैसे हैं इसके वीडियोस मैं आपको लगातार बना के देता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किन फॉर्मूलाज को हमें सीखना चाहिए। हमें कुछ ही फॉर्मूलाज सीखने चाहिए, सारे सीखने ज़रूरी नहीं है, सारे नहीं सीख सकते हम, किसी भी चीज़ को पूरा कम्प्लीट नहीं सीख सकते हैं कितनी भी मेहनत करके, क्योंकि इतने हम पुराना सीखते हैं नया वर्ज़न अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेल बंद करते हैं, डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।